प्रदेश में बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। वन विभाग के रेंज फॉरेस्ट अधिकारी संदीप कुमार ने कहा है कि इस बार मानसून सत्र के लिए 2,20,000 पौधे नर्सरी में निःशुल्क वितरण के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसको लेकर वन विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रेवाड़ी जिले में वन विभाग की 7 नर्सरियां हैं, जिन सभी नर्सरियों में छायादार और फलदार वृक्ष के पौधों की नर्सरियां तैयार की जा रही हैं, जिनमें वन विभाग के कर्मचारी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार 51,000 पौधे पौधगिरी के लिए स्कूली छात्र छात्राओं को निःशुल्क भेंट किए जाएंगे। इसके साथ ही 52,000 पौधे जल शक्ति अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। रेंज फॉरेस्ट अधिकारी संदीप कुमार के मुताबिक इस मानसून सीजन में 1,17,000 पौधे किसानों और कंपनियों को भी निःशुल्क किए जाएंगे। संदीप कुमार का कहना है कि 5 जून को मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस पर लोगों को पौधारोपण करने के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि मानसून स्तर में लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण को संरक्षित करने में हर मनुष्य को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि बढ़ते पर्यावरण को बिगड़ने से बचाया जा सके। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। सर, इस बार हमारे जिले के अंदर 7 नर्सरियां हैं और इन नर्सरियों के अंदर अलग अलग प्रजाति के छायादार फलदार और अलग अलग पौधे तैयार कर रहे हैं। और इस बार जो हमारा मंडल का जो लक्ष्य है वो 51,000 पौधे पौधगिरी में देने का लक्ष्य है और 52,000 पौधे जेएसए जल शक्ति अभियान का है और लगभग 1,17,000 पौधे हम फ्री सप्लाई के अंदर किसानों को और कंपनी और अन्य अदर्स को देने का हमने निर्धारित किया है। इस बार बारिश के अंदर मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमारी नर्सरियों से लेके आएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि औरों को भी इस बारे में जागरूक करें, ताकि इस बार अपने पर्यावरण को अच्छा और बढ़िया बनाया जा सके।